जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, एक साथ राहुल और फारूक अब्दुल्ला, गठबंधन सीट बंटवारे पर भी मुहर, गठबंधन पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच चुनाव को लेकर दिनों दिन सियासी गठजोड़ और गहमागहमी भी तेज होने लगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर बीते गुरुवार को गठबंधन पर बात बन गई और जिसके बाद दोनों ने चुनाव में एक साथ जाने का निर्णय लिया। गठबंधन के बाद सीट बंटवारे को लेकर भी कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों में सहमति लगभग बन गई है। सीट बंटवारे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है और शेष निर्वाचन क्षेत्रों पर आम सहमति बनाने के लिए बातचीत चल रही है। कुछ सीटों पर हम अड़े हैं तो कुछ सीटों पर कांग्रेस के नेता। मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर सीटों पर हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पर कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहां पे ऐलान कर सकेंगे। सर, क्या कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम को सपोर्ट कर? इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी और कोई क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें, ये फिलहाल मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली सफलता को देखते हुए राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी वही एकजुटता रखना चाहते हैं। राहुल गांधी बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट रखना चाहते हैं, जिसके चलते दोनों ने एक साथ आने का ये कदम उठाया है। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति को मजबूत माना जाता है तो वहीं जम्मू में कांग्रेस को एनसी का सहयोग मिलने से कहा जा रहा है कि परिणाम बेहतर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के तहत 50-50 का फार्मूला चाहती है। कांग्रेस 90 सीटों में से 40 से 45 सीटों पर अपना दांव ठोक रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 से 25 सीट से ज़्यादा सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने घाटी में उन सीटों की भी मांग की है जहां से वे पहले चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इसको लेकर राजी नहीं हो रहे हैं। बहरहाल, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जल्दी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखना होगा कांग्रेस एनसी गठबंधन विधानसभा में क्या कमाल दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।